करतारपुर कोरीडोर नूं लै के सारे सियासी अते धार्मिक अदारे पाकिस्तान विच 28 तरीक नूं करतारपुर कोरीडोर ते रखे जाण वाले नींह पत्थर विच पहुंचे। इस मौके श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे प्रधान गोबिंद सिंह लौंगोवाल भी पाकिस्तान विच इस समागम विच शिरकत करन लई पहुंचे। इस मौके उन्हां ने पाकिस्तान दे लोकां दा धन्नवाद कीता ते कहा कि जो पाकिस्तान दे लोक प्यार उन्हां नूं दे रहे हन ओह कदी नहीं भुलणगे। श्री गुरु नानक देव साहब की बहुत बड़ी अपार कृपा हुई है तो बहुत ही मैं अपने आप नूं भागीशाला समझदा, बहुत ही खुशी महसूस कर रहे हैं कि श्री करतारपुर साहब की वो पावन धरती जिथे श्री गुरु नानक देव साहब जी के अपने मुबारक चरण पे, जिथे उन्हें कर कमलों के नाल और हर बाया उस मिट्टी के विच उन्होंने किरत करन दा जिहड़ा संदेश थी सारे संसार नूं दिता, तो मैं उस पावन धरती की मिट्टी अपने मस्तक ला के अपने आप नूं बहुत ही भागाशाली समझदा और अपने आप नूं बहुत ही बड़भागा समझिया कि जिथे पाकिस्तान सरकार ने उत्थों दे प्रधानमंत्री इरमान खान ते उत्थों दी सारी सरकार ने और जिहड़ा बड़ा लम्मा समय तो सारे सिख जगत दी मन दी भावना सी, हमेशा नानक नाम लेवा ये अरदास करते सी कि श्री करतारपुर साहब का लांघा जिथे श्री गुरु नानक देव साहब महाराज 18 साल तो बद समा अपने आखिरी जीवन का उन्होंने गुजारे है और हर एक दी मन दी ये इच्छा हुंदी सी कि खुले दर्शन दारे असी कर सकीए। मैं समझना सतगुरु नानक साहब की बड़ी बड़ी अपार कृपा हुई है कि दोनों सरकार ने फैसला किया, भारत सरकार वालों श्री नरेंद्र मोदी जी और जिहड़े 26 तरीक नूं उन्होंने नींह पत्थर रखिया, इस तरह पाकिस्तान वालों 28 तरीक नूं और उत्थे नींह पत्थर रखिया गया। मैं समझदा कि सतगुरु कृपा करके जल्दी ये जिहड़ा है कोरीडोर और लांघा जिहड़ा है वह मुकम्मल होकर सारिया सिख संगतां खुले दर्शन दारे जिहड़े ने उस पावन धरती उस स्थान दे श्री गुरु नानक देव साहब दे पहाड़ स्थान दे उत्ते कर सकणगे। मैं समझा कि संगतां दे बहुत वड्डी खुशी थी जिहदे भी चेहरे वल देखदे सी सारिया संगतां दे खुशी थी, भावें उह सिख सन भावें मुसलमान सन भावें हिंदू सन कोई भी सन, सारिया दे चेहरियां दे उत्ते बहुत ही मैं समझा इन्नी खुशी सी कि उह समाए नहीं जांदे सी कि ये बहुत बड़ा जिहड़ा काज थी, बहुत बड़ा इतिहासक पल सी उह जदों असीं उत्थे गए और उस जिहड़े पल नूं सारिया ने उस पल ने गुजारिया तो मैं समझदा उन्हां दे मनां दे विच बहुत ही खुशी असीं उन्हां दे चेहरियां तों लग पटक रही सी। देखो गल असीं पाकिस्तान सरकार ने सानूं सद्दा दित्ता सी और असीं इमरान खान दे सद्दे ते उत्थे गए सी और जिथे उन्होंने सानू बिठाया सीट अलॉट की उत्थे जाके बैठ गए और मैनू नहीं पता मेरे नाल कौन बैठा, मैं किसी को जानता नहीं उत्थों के ना किसी पछाणदा कौन सी कौन नहीं, क्योंकि साड़ी जो साड़ी इक्को ही इच्छा सी कि असी उस समागम के जिहड़ा सी शामिल होने वास्ते गए सी। सिर्फ तारा सिंह जिहड़े प्रधान सी ओह मैनू जरूर मिले सी ते उहनां नाल मीटिंगां भी होईयां ने साडे। देखो असी काफ़ी उत्थों के जिहड़े प्रधान दे नाल ही साडी मीटिंग हुई है, कल असी जिहड़ा कॉफ बोर्ड जिहड़ा ना बनिया होया लाहौर दे विच उत्थे असी मीटिंग की, जिस मीटिंग दे विच सरदार तारा सिंह जो पाकिस्तान गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान ने, सरदार बिशन सिंह जी जो सबका प्रधान और कॉफ बोर्ड के जिहड़े सैकटरी सन तारक वजीद खां और वह भी उत्थे शामिल सी, उन्होंने दफ्तर में सारी साड़ी बड़ी डिटेल के नाल मीटिंग जी हुई है, उत्थों के गुरुद्वारों बारे भी डिटेल गल की गई है और श्री गुरु नानक देव साहब जी के 550 साल प्रकाश पुरब न मना संबंधी भी सारे विस्तार के सारिया उत्थे गल्लां कीतियां ने किस तरह मनाया जाए, क्योंकि 3 महीने
सारे ने यह फैसला किया लगातार तीन महीने अगले साल जो तो प्रगट गुरपुरब होगा और उत्थे लगातार तीन महीने सारे प्रोग्राम जोड़े ने चलन गए। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सारा उत्थे जिन्हें भी वो सेवा लाएंगे टेंट टेंट सिटी बनाई जाऊ और उत्थे रागी सिंह भेजे जाएंगे ढाडी सिंह भेजे जाएंगे कथा वाले कीर्तनी जिन्हें भी उन्हों की डिमांड होगी वो सारी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वालों वो सारे का इंतजाम किया जाएगा। बिल्कुल असी उत्थे सरकार को भी ये गल की है श्री करतारपुर साहब जी जो भावें और रहन दे लई यात्रुओं के सराम बनाउण दी गल है उत्थे लंगर की कोई व्यवस्था करनी होवे जां यात्रुओं की कोई होर सहूलत दे वास्ते रागी सिंह जां उत्थे ग्रंथी सिंह जिस तरह की भी लोड़ है असी जिहड़ी उत्थों दी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी नूं भी अपनियां सेवावां पेश कीतियां ने उसी सरकार में भी किया कि जो भी सानू लोड़ है असी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हर जिम्मेवारी लैण नूं तैयार है। बिल्कुल कहांगे जी देखो इत्थों दी सरकार नूं भी कहांगे उन्होंने भी नक्शे वगैरह तैयार कर ले इन्हों ने भी कहना जल्दी तो जल्दी नक्शे तैयार करके और कोरीडोर जो है खोलिया जाए और एक बिल्कुल जो साढ़े जिम्मेवारी लाने भावें पंथ खालसा लावे संगत वालों लाए जाए भावें सरकार लाए जाए साड़ी श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी हर जिम्मेवारी लैन में तैयार है। सो मैं एक और बेनती कर लग्या सो मैं अज उत्थे एक विजिट करके आया और लाहौर दे विच कुछ गुरुद्वारे ऐसे ने और जिन्हां गुरुद्वारियां दी इमारतां भी खस्ता ने जिन्हां गुरुद्वारियां दे उत्ते कब्जे भी किए गए हैं जिस तरह भाई मनी सिंह शहीद जिन्होंने बंद कटवाया सी असी आप उस शहर के बड़िया भीड़ियां गलियां दे विच जाके वो गुरुद्वारा जाके देखे और इमारत है लेकिन उत्ते स्थानक लोगों ने कब्जा किया हुआ अगर दुकान बनाई हुई ने तो वह भी गल की है भाई तारू सिंह जिन्हों की खोपड़ी लाई गई सी उन्हों का भी स्थान भी है उत्थे भी कुछ कब्जे हुए हैं। सो सारी निशानदेही असी करके आने वाले समय के मैं 13 तरीक न फिर पाकिस्तान असी जाना है दोबारा उतों की अगले महीने उतों की सरकार के नाल टाइम लैके जनवरी के उतों के जिहड़ा है मुख्यमंत्री पंजाब का गवर्नर और असी प्राइम मिनिस्टर नाल भी कोशिश करांगे मिलने की कि उत्थे जाके ये सारे गुरुद्वारे जिहड़े बहुत मैं इतिहासक गुरुद्वारे ने जिन्हां दे अज कुछ लोगों ने स्थान कब्जे किए हुए हैं वो भी खाली कराने की असी पूरी कोशिश करांगे क्योंकि असी चाहांगे 550 साल तो पहला सारी ये गुरु घर की जिहड़ी है और खाली कराई पाकिस्तान तो